जनकपुर नेपाल के अंदर एक ऐसी जगह है जहां पर श्री राम जी की धर्म पत्नी सीता जी का जन्म हुआ था। हिंदू माइथोलॉजी में जनकपुर का एक बहुत ही बड़ा स्थान माना गया है और इसकी रिलीजियस एंड हेरिटेज वैल्यू भी बहुत ज्यादा है। जनकपुर हेडक्वार्टर है धनुषा डिस्ट्रिक्ट का, जो कि सदर नेपाल में पड़ता है। ऐसा माना जाता है माता सीता की ये जन्म भूमि पर श्री राम और माता सीता का विवाह भी इसी स्थान पर हुआ था। नेपाल का जनकपुर धाम अभी काफी सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन ये मंदिरों की वो सिटी है जहां पर हर एक राम भक्त जरूर आना चाहेगा। इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको जनकपुर में 6 सबसे बड़े मंदिरों के दर्शन कराएंगे। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे इन मंदिरों में जाने की टाइमिंग क्या है, दर्शन कैसे करते हैं और बाकी सारी जनकपुर घूमने की कंप्लीट ट्रैवल गाइड। तो हमारी ये वीडियो एंड तक देखना और यदि आप नए हैं तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है ये जनकपुर धाम। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं जनकपुर धाम और कराते हैं माता सीता की जन्म भूमि के आपको साथ साथ दर्शन। नंबर 1, राम मंदिर। गाइस, आप जो मेरे पीछे इस टाइम देख रहे हैं ये है राम मंदिर। राम मंदिर जनकपुर का एक प्राचीन मंदिरों में से एक है जो 17वीं सदी में बनवाया गया था। साथ ही साथ आप इस मंदिर के अगर बाहर देखेंगे तो ये पगोड़ा स्टाइल की आर्किटेक्चर को आपको दर्शाएगा। रामनवमी, दिवाली, होली और दशहरा जैसे बड़े त्योहारों पे मंदिर में आप भारी भीड़ देख सकते हैं। इस मंदिर की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम की टाइमिंग है शाम को 4 बजे से 8 बजे तक। और इस मंदिर में आने की कोई फीस नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं। राम मंदिर जनकपुर का सबसे पुराने मंदिरों में से एक है जो अमर सिंह थापा जी के द्वारा बनवाया गया। इस मंदिर का आर्किटेक्चर पुराने पगोड़ा स्टाइल में देखने को मिलेगा। रामनवमी के दिन इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। अगर आप यहाँ का कल्चरल एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो राम मंदिर आपके लिए सबसे बेस्ट जगह होगी। अगर जनकपुर धाम आए और राम जी के दर्शन ना करें तो आपकी धाम की यात्रा अधूरी रह जाएगी। नंबर 2, राज देवी मंदिर। गाइस, जैसे आप मंदिर परिसर के अंदर जब आप अंदर एंटर करेंगे तो आपको सबसे पहले यहाँ पे राजा जनक जी के कुल देवी जी के दर्शन कर पाएंगे। अभी मंदिर परिसर बंद होने के कारण हम ये दर्शन अंदर से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि राजा जनक की कुल देवी थी माता राज देवी और उन्हीं का एक भव्य मंदिर आपको राम मंदिर के अंदर देखने को मिलेगा। दशायन के दिन इस मंदिर में सबसे ज्यादा भीड़ होती है और दूर दूर से लोग माता राज देवी के दर्शन करने आते हैं। राज देवी मंदिर जो कि डेडिकेटेड है माता दुर्गा को और दशायन के 8वें दिन माँ दुर्गा को बहुत सारे जानवरों की बलि चढ़ाई जाती है। इसलिए आप जब भी राम मंदिर देखने आए तो राज देवी मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। नंबर 3, भूतनाथ मंदिर या फिर स्वर्ग द्वार। जनकपुर के सबसे बड़े लेक गंगा सागर के बगल में बसा है भूतनाथ मंदिर, जिसे हम स्वर्ग द्वार के नाम से भी जानते हैं। स्वर्ग द्वारी जो कि एक समय पर एक शमशान था जो कि आज एक गार्डन या फिर पार्क में बदल दिया गया है। स्वर्ग द्वारी में आपको कई सारे छोटे हिंदू मंदिर देखने को मिलेंगे और उन्हीं में से एक है भूतनाथ मंदिर। ये मंदिर डेडिकेटेड है द गॉड ऑफ डेथ या फिर मृत्यु के देवता को, जिन्हें हम भूतनाथ के नाम से जानते हैं। स्वर्ग द्वार का लिटरली मतलब है गेटवे टू हेवन, यानी कि स्वर्ग जाने का सबसे पहला दरवाजा। इसलिए ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों का अंतिम संस्कार यहाँ होता है उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। नंबर 4, गंगा सागर लेक। गाइस, ये है हमारी जनकपुर धाम की नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है गंगा सागर लेक। गंगा सागर लेक जनकपुर की एक प्राचीन लेकों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जब माता सीता जी का जन्म हुआ था उनको स्नान यहाँ पर इसी कुंड में करवाया गया था। गंगा सागर लेक की टाइमिंग है सुबह सनराइज से सनसेट तक। इस लेक पर आने का कोई चार्जेस नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस लेक में कभी भी आके स्नान कर सकते हैं अपने परिवार के साथ। आपको दिखाई देगा यहाँ पर पैड़ी बनी हुई है जिसपे आप बैठ के स्नान भी कर सकते हैं। 6 लोग स्नान भी कर रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ इस लेक पे जरूर आ सकते हैं। गंगा सागर लेक जनकपुर का सबसे बड़ा और सबसे फेमस लेक है जो कि जनकपुर के जानकी महल के बिल्कुल बगल में स्थित है। ये लेक बहुत ही पूजनीय माना गया है और इसी के साथ साथ धनुष सागर लेक भी बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। गंगा सागर लेक के बगल में ही पड़ती है गंगा सागर लाइब्रेरी जो कि उतनी ही फेमस है जितना कि गंगा जनक मंदिर बहुत फेमस है क्योंकि जनक नंदिनी का है। राजा जनक के जो कुल देवी थी माता राज देवी शक्तिपीठ बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पे बहुत रौनक रहता है, बहुत प्रसिद्ध है यहाँ पे, विजिट करना चाहिए। नंबर 5, जानकी मंदिर। तो गाइज, ये है हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जिसका नाम है जानकी मंदिर। जी हाँ, ये जानकी मंदिर माता सीता के लिए समर्पित है। इस मंदिर में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर सीता जी का जन्म हुआ था। ये पूरा मंदिर सफेद मार्बल और सफेद पत्थरों से बना हुआ है जिसके बाहर आसपास आपको एक बहुत कलरफुल रंग बिरंगी नक्काशी देखने को मिलेगी। ये नेपाल का एक
प्राचीन मंदिरों में से एक है जहां पर हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु यहां पे मत्था टेकने आते हैं। खासकर रामनवमी, दशहरा, दिवाली, इसमें इस दिन यहां आके श्रद्धालु अपनी मन की इच्छा मांग के अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप इस मंदिर में सुबह 5 बजे से 12 बजे तक आ सकते हैं और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक इस मंदिर में आके दर्शन कर सकते हैं। जानकी मंदिर जनकपुर का सबसे बड़ा और सबसे भव्य मंदिर है जो कि डेडिकेटेड है माता सीता को। ऐसा माना जाता है कि ये महल उस जगह पे बनवाया गया है जहां माता सीता का जन्म हुआ था और आज के समय में इस महल को एक धार्मिक स्थल और मंदिर घोषित कर दिया गया है। अगर आप रामायण के बारे में और जानकी जी के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप जनकपुर के जानकी मंदिर जरूर आए। जानकी मंदिर में आपको हिंदू, कोयरी और नेपाली आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा। ये 3 मंजिला इमारत पत्थर और मार्बल से बनी है और इसके अंदर आपको 60 कमरे देखने को मिलेंगे। जानकी महल की सुंदरता आप कभी नहीं भुला पाएंगे। इस महल में होने वाले सबसे बड़े त्योहार हैं रामनवमी, विवाह पंचमी, दशायन, दीपावली और होली। नंबर 6, राम जानकी विवाह मंडप। अब हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी लिस्ट में जनकपुर धाम में, वो है ये विवाह मंडप। विवाह मंडप यहाँ पर ये वो मंडप है जहाँ पर श्री राम जी का विवाह माता सीता के साथ संपन्न हुआ था। उस टाइम पे जब ये विवाह संपन्न हो रहा था, बड़े बड़े सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए थे उनके विवाह के समय। इसकी भी टाइमिंग सुबह सनराइज से सनसेट तक है और दिन में 12 से 4 तक ये बंद रहता है ये मंदिर। तो आप सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और शाम को 4 बजे से रात के 9 बजे तक इस मंदिर में कभी भी आ सकते हैं। इस मंदिर में भारतीय टूरिस्टों के लिए 7 रूपए प्रवेश शुल्क है, नेपाल के लोकलाइट है उनके लिए 10 नेपाली रूपी चार्जेस है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने और मंदिर की तरफ। वो जगह जहाँ शादी हुई थी राम और सीता, उस जगह को बोलते हैं राम जानकी विवाह मंडप, जो कि हजारों सालों से श्रद्धालुओं के द्वारा विजिट किया जा रहा है। ये जगह आपको जानकी मंदिर के बिल्कुल बगल में मिलेगी। श्री राम जी और सीता जी का विवाह मनाया जाता है शुक्ल पक्ष के 5वें दिन। यह मंडप बनवाया गया है संगमरमर की सुंदर नक्काशी के द्वारा। इस जगह आपको बहुत ही खूबसूरत पिलर्स, अद्भुत नक्काशी और बहुत ही सुंदर गुंबद देखने को मिलेंगे। इस जगह आपको माता सीता और श्री राम जी के विवाह की प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी। अगर आपको पूर्ण शांति चाहिए ताकि आप पूजा और मेडिटेशन कर सके तो राम सीता विवाह मंडप आपके लिए सबसे बेस्ट जगह है। इन सारी जगहों की गूगल मैप की लोकेशन हमने एक लिस्ट बनाकर अपने डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दी है। आप उसे क्लिक करके इन जगहों की एग्जैक्ट लोकेशन देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कोई सवाल है तो कमेंट करें। तो इसी के साथ साथ हमने टॉप प्लेसेस टू विजिट इन नेपाल और कंप्लीट ट्रैवल गाइड टू नेपाल की वीडियो भी बना रखी है, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आप चाहें तो हमारा ज्वाइन बटन क्लिक करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इट वॉज वेरी नाइस टू बी विद यू अगेन। बी वेल। नमस्ते।